हेलो फ्रेंड, किचन तड़का में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, कभी कभार हमारा घर में खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है और लगता है कि फटाफट कुछ ऐसा बन के तैयार हो जाए जो कि खाने में टेस्टी भी हो और साथ ही साथ हेल्दी भी हो। आज मैं आपको मसाला मेथी पूड़ी की ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो कि खाने में तो टेस्टी होगी और बनाने में इसके आगे आपको ना ही दाल की ज़रूरत है ना ही सब्जी की ज़रूरत है, केवल ये पूड़ी से ही आपका खाना एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। मसाला पूड़ी बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम मेथी का साग लिया है जिसे बीन कर धोकर अच्छे से सुखा लिया था। इसकी मोटी मोटी डंडियों को निकाल कर हम अलग कर देंगे। अब हम अपने साग को थोड़ा थोड़ा सा गठरी बनाकर काट लेंगे। आप जितना महीन साग काट सकते हैं उतना महीन साग काट लीजिए। पहले इसे बीच में से काटेंगे और फिर इसे हम बिल्कुल महीन महीन काट लेंगे। और ये देखिए कितने महीन तरीके से हमारा साग कटकर तैयार हो रहा है। इसी तरीके से मैं सारा साग काट लूँगी। और ये देखिए मैंने सारा साग काट कर रख लिया है। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी साग हो उसे 2-3 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालकर रख देंगे ताकि ये जितना पानी निकलना हो वो निकल जाए। इधर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें मैंने ये कच्चा आलू लिया है। फ्रेंड्स, इस वाली पूड़ियों में आलू का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए ज़रूर आलू का यूज़ कीजिएगा। एक टमाटर लिया है। आप कहेंगे ये आलू टमाटर की सब्जी है या पूड़ी है, फ्रेंड्स, लेकिन इन सब फ्लेवरों से आपकी पूड़ी बहुत टेस्टी बनेगी। 2-3 हरी मिर्च काट कर डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, ये इसमें डाल देंगे और सभी चीज़ों को बिल्कुल महीन पीस लिया है। अब मेथी ने भी हमारे अच्छे से पानी छोड़ दिया है, मैंने इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था। सारा मैं आलू टमाटर का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और ये मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है, ये इसमें डाल देंगे। 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और ये मैंने 1/2 चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन हेल्थ के लिए तो अच्छी होती है, साथ ही साथ ये पूड़ी का टेस्ट भी 10 गुना बढ़ा देगी। अब इसमें मैं 2 कप गेहूं का आटा लिया है, ये धीरे धीरे करके डाल देंगे। फ्रेंड्स, इस आटे को मारने के लिए आपको ज़रा सा भी पानी का यूज़ नहीं करना है। मेथी के पानी से और आलू और टमाटर के मसाले से ही हमारा ये आटा मड़कर तैयार हो जाएगा। अभी मैंने इसमें 1 कप ही गेहूँ का आटा डाला है। अब जितना ज़रूरत होती जाएगी हम थोड़ा डालते जाएंगे। हमें इसका एकदम टाइट डो बनाना है जैसा कि हम पूड़ी का बनाते हैं। और ये देखिए मैं धीरे धीरे करके आटा डालती जा रही हूं जितने आटे की हमें रिक्वायरमेंट है। और ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल लगकर तैयार हो गया है। मुझे इसमें लगभग 1 कप और 3/4 कप आटे की ज़रूरत पड़ी है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर हम इसे अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो हम कोई भी पूड़ी या पराठा बनाते हैं तो आटे को रेस्ट देते हैं, लेकिन हमें इस आटे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है क्योंकि इसमें आलू और मेथी दोनों ही पड़े हुए हैं और जैसे जैसे इसे हम रेस्ट देंगे ये मेथी अपना पानी छोड़ती जाएगी। अब हम इस आटे की छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे। सारे आटे की अच्छे से लोई बनाकर रख लेंगे। और ये देखिए मैंने लगभग आटे की लोइयाँ बनाकर रख ली हैं। अब एक पटा लेंगे और मैंने चकले पर तो एक लोई रख दी है और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे। इससे ये हमारी चकले पे चिपकेगी नहीं और इसे बिल्कुल पूड़ी के आकार का हम बेल लेंगे। फ्रेंड्स, इस पूड़ी को बिल्कुल महीन मत फेंकिएगा, थोड़ा सा मोटा रखिएगा।
इसी तरीके से हम सारी पूड़ियाँ सेक कर रख लेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको इन पूड़ियों में सूखा आटा जरूर लगाना है ताकि ये पूड़ियाँ आपस में चिपके नहीं। फटाफट हम इन पूड़ियों को बेल कर रख लेंगे। और ये देखिए, मैंने कितनी सारी पूड़ियाँ बेल कर तैयार कर ली हैं। इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया था, ऑयल भी हमारा तेज गरम हो गया है। अब एक एक पूड़ी को डालते जाएंगे और इसके बीच में थोड़ा सा प्रेस करने पर ही ये पूड़ी आराम से फूल कर तैयार हो जाएगी। दोनों तरफ को अच्छे से लाल कर पूड़ी को सेक लेंगे। पूड़ी सीख गई है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। एक एक पूड़ी डालते जाइए और सेकते जाइए, इससे हमारी कढ़ाई का टेम्परेचर भी बिल्कुल डाउन नहीं होगा। और ये देखिए कितने आराम से हमारी मेथी मसाला पूड़ी बनकर तैयार हो रही है। फ्रेंड्स, इन पूड़ियों के साथ ना ही आपको दाल की ना ही सब्जी की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल इन पूड़ियों से ही आपका डिनर या लंच हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने ढेर सारी पूड़ियाँ सेक कर रख ली हैं। सारी पूड़ियाँ हमारी सेक कर तैयार हो गई हैं और ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। मैं आपको एक पूड़ी तोड़कर दिखाती हूँ, इसके अंदर कितनी अच्छी सी फिलिंग हुई है। खूब अच्छे से मसाला पूरी पूड़ी में भर गया है। फ्रेंड्स, ये पूड़ी देखने में जितनी अच्छी है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। और ये देखिए, अंदर तक खूब अच्छे से मेथी मसाला सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।